आप मिथिलेश जी का पहले का चेहरा देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा ना मेनली लुक दे रहे हैं। अब आज का चेहरा देखो, टोटली फीमेल। इस डाइट को फॉलो करने के बाद जो पीरियड्स आपको आएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे से आएंगे। सुमन, मुझे कुछ ऐसा दे दो ना यार, जिसमें कुकिंग बिल्कुल नहीं करना पड़े। आजकल तो स्टारबक्स भी ना डेयरी फ्री कॉफ़ी दे रहा है। सुमन, सबवे पे ना मल्टीग्रेन रैप्स आ गए हैं, एंड वो हम लेके और खा के वेट लॉस कर सकते हैं। सुमन सुनो ना, आजकल ना बर्गर किंग पे भी ना मल्टीग्रेन बन आ रहा है, जिसमें बर्गर आता है। मैं सॉस और मेयोनीज नहीं डलवाऊंगी, मैं वो खा के वेट लॉस कर लूँ। सुमन, आजकल तो ना वीट और अलग अलग तरीके की मैगी आ रही है, जिसमें फैट कम है, तो क्या मैं वो खा सकती हूँ डाइट में? इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं, और ये सब चीज़ें आती हैं 18 से 35 साल की उम्र की लेडीज़ के अंदर। मिथिलेश जी का इनका रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पोस्ट किया था ऑन माय इंस्टाग्राम, सो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, एंड आ जाओ वहाँ पे, मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ। सो इंस्टाग्राम पे मैंने इनका ट्रांसफॉर्मेशन डाला था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स रिलेटेड टू हर डाइट, एंड इनकी डाइट कैसी है, इनका केस क्या है, मैं पहले बता देती हूँ। ये है 41 ईयर्स के मिथिलेश जी हमारे, इनके दो बच्चे हैं, ये वर्किंग वुमेन है, एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, टीचर है ये। एंड इन्होंने अपने बच्चे भी संभालने हैं, इन्होंने अपने घर भी संभालना है, टीचर है, स्कूल भी जाना है, हस्बैंड का टिफिन भी अलग बनाना है और अपना खाना अलग बनाना है। एंड इन्होंने जिस तरीके से डाइट किया है ना, मुझे लगता है ये जितने भी लोग कंप्लेंट करते हैं, 18 साल की लड़कियां मुझे कंप्लेंट करती हैं, 25 साल की लड़कियां, मेरा मेटाबॉलिक रेट ख़राब है, मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। लुक एट हर, कितने मोटू से कहां तक, और इनका वेट लॉस हुआ है, बहुत शिद्दत से डाइट करने के बाद हुआ है, आपका भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़े थे ऑन माई सोशल मीडिया यहाँ पे, एंड ये सारे कमेंट्स के चलते मैं आज लेके आई हूँ पीसीओडी का डाइट चार्ट। मिथिलेश जी के भी पीरियड्स इरेगुलर थे, विटामिन D3 की मैसिव डेफिशिएंसीज थी। आप मिथिलेश जी का पहले का चेहरा देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा ना मेनली लुक दे रहे हैं। अब आज का चेहरा देखो, टोटली फीमेल। सो ये क्या चीज़ है, ये हमारे हॉर्मोन्स जो थे वो डिस्टर्ब थे, तब ऐसा था और अब ये ऐसे हो गए हैं। और ये जो डाइट है ना, ये बहुत सिंपल है। एक चीज़ डाइट के लिए आपको चाहिए, आपको कुकिंग आनी चाहिए, और ये माइंडसेट होना चाहिए, यार मैं खुद से खाना बना सकती हूँ और बनाऊँगी, और अपने लिए खाना अलग से रेडी करके जाऊँगी। जब आप बच्चे का खाना अलग दे सकते हो, इन लॉज का दे सकते हो, हस्बैंड का दे सकते हो, आपको अपने लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सो डाइट स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ें, नंबर वन वेट चेक, डेली का वेट चेक, 8 घंटे की स्लीप, आपको किसी ना किसी को अपने मील का पिक्चर और अपना वेट अपडेट देना है डेली बेसिस पे, एंड स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, और अपने मील्स का टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, कोई भी मील स्किप नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं मिथिलेश जी का डाइट प्लान, एंड वो जो डाइट है ये बहुत ही सिंपल है, घर की बेसिक चीज़ों से बना हुआ है। मॉर्निंग ड्रिंक जो होगा वो होगा 7:30 से 8 बजे, और मॉर्निंग ड्रिंक में हम क्या लेंगे, मेथी दाना टी। सो मेथी दाना टी कैसे बनाने, चलते हैं किचन में। यहाँ पे सबसे पहले हम बना रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही सिंपल है, जस्ट बॉयल पानी में 1/2 चम्मच जितना मेथी दाना, इसको बॉयल करेंगे जब तक ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, अच्छे से इसमें येलो कलर आ जाएगा, और इसको हम बंद कर देंगे। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर ना हम लेंगे खिचड़ी, और खिचड़ी किसकी लेंगे, हम साबूदाना की खिचड़ी लेंगे। कैसे बनाना है ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी, चलते किचन में। यहाँ पे हम बना रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी। थोड़ा सा मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज, यहाँ पे मेरे पास है टमाटर और बीन। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक, जितना कम हो सके, हल्दी पाउडर, हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, दैट्स इट। अब इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम, हल्का सा पानी डालते हैं इसमें, जब तक ये सब्जियां थोड़ी सी हमारी कुक हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास मेरा साबूदाना है, जिसको मैंने 1/2 घंटे से सोक करा हुआ है तेज़ गर्म पानी के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास सोक किया हुआ मेरा साबूदाना, इन सबको यहाँ पे मिक्स करेंगे, इसको कवर करेंगे, बिल्कुल ड्राई खिचड़ी बनाएंगे हम बहुत अच्छे से। इसको अब हम कवर करेंगे, 2 मिनट और पकाएंगे और ये रेडी। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मैंने थोड़ी सी अपनी हरी चटनी डाली है, एंड दिस इज रेडी। ब्रेकफास्ट के हमें कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे चूज़ करने हैं जो कि ग्लूटेन फ्री हों, एंड हमारे को लॉट्स ऑफ फाइबर्स दे।
विंटर्स है, विंटर्स में ग्लूटेन फ्री के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम मक्की का आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटे की रोटी ले सकते हैं, ये सारी रोटीज मेरे चैनल पे हैं। हम किनुआ की खिचड़ी ले सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे है। हम रेड राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, ये सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे है। अगर आपको साबुदाना की खिचड़ी नहीं लेनी, आप इनमें से कोई भी रेसिपीज पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में लेंगे हम कोई भी सीजनल फ्रूट लेंगे, और उसके साथ लेंगे हम अपनी एक डाइजेस्टिव टी। नाउ डाइजेस्टिव टी मतलब कोई भी पील टी उठा लो, किसी भी तरीके की पील टी उठा लो। नाउ पील टी कैसे बनानी है, चलते किचन में बना रहे हमारा डाइजेस्टिव टी। नाउ यहाँ पे है गोखरू, पतंजलि पे मिलता है, 80 रुपीज़ का डब्बा है ये, पूरा चल जाता है 1 से 1.5 महीने का। और यहाँ पे मेरे पास अनार के पील, जो भी आप सीजनल फ्रूट खाओगे कोशिश करो मैक्सिमम अनार लो, अनार से बहुत अच्छा आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा और आयरन का कमी पूरा होगा। अनार जो है यहाँ पे लिया, अब इसका बनाएंगे हम डाइजेस्टिव टी। और यहाँ पे एक मेरे पास डाइजेस्टिव टी है जो कि है फैट टू फैब की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये टी नहीं है देन हम बनाएंगे यहाँ पर ये वाला डाइजेस्टिव टी, इससे बहुत सिंपल है बनाना। यहाँ पे पानी मेरा बॉयल हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगी एक मेरा अनार का पील, थोड़ा सा कड़वी टी बनेगी ये। एंड इसके साथ मैं डालूंगी मेरा हल्का सा गोखरू। नाउ पॉइंट इज, गोखरू क्या करता है, आपकी बॉडी में जितनी स्वेलिंग आती है ना पीसीओडी पेशेंट को, जितने भी फूल जाते हो आप लोग, आधा चम्मच जितना मैंने गोखरू डाला, इसको अच्छे से बॉइल्ड होने देंगे। ये हम लेंगे डाइजेस्टिव टी, सो आपकी बॉडी पे स्वेलिंग नहीं आएगी, जो आप कहते हैं ना ब्लोट हो गया, लोअर बेली फैल गया, ये उससे कम होगा। बॉइल 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 बॉइल, और ये रेडी। अब हम लंच से पहले सुनते हैं मिथिलेश जी को, जिन्होंने अपना वेट लॉस करा इतने शिद्दत से, और वो आप लोगों से प्लीज कुछ कहना चाहते। नमस्ते, मेरा नाम मिथिलेश कुमारी, मैं 41 साल की अध्यापिका हूँ। मेरा वेट 85 से मैंने चालू किया था, और वर्तमान में मेरा जो वेट है वो 58 kg है। वेट लॉस जर्नी से पहले मेरे साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे मेरा पीरियड्स बहुत इरेगुलर था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 248 के करीब था, और विटामिन B12 डी की डेफिशिएंसी थी मेरे अंदर। मैम को फिर मैंने अप्रोच किया, मैम ने मेरी डाइट जो दी मेरे रूटीन के हिसाब से और मेरे टेस्ट के हिसाब से दी, मेरी जितनी भी क्रेविंग्स थी वो सभी किल की, और इतना ह्यूज चेंज है मेरे अंदर कि जो भी मुझे पुराने लोग मिलते हैं सब मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो मैजिक बोलते हैं ना, चमत्कार जिसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जी लंच की। अब पीसीओडी पेशेंट है, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा प्रोटीन, अच्छा खासा नेचुरल प्रोटीन। हम ऐड करेंगे बहुत सारी दालें, मेरे चैनल पे बहुत सारी दालों की रेसिपीज हैं। ब्लैक चना चाट है, वाइट चना चाट है, लोबिया का चाट है, राजमा का चाट है, येल्लो मूंग दाल की सैलेड है, ग्रीन मूंगे की दाल की सैलेड है। और अगर आपको दालों से मन उक गया है तब हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे हमारी दाल घिया, दाल पेठा, या फिर हमारी दालों और चने की चाट से बनी हुई हमारे कटलेट्स, वेजी स्टिक्कीज बहुत सारी हैं, इनमें से कोई भी आप चीज़ें पिक कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। पीसीओडी सारा गेम है हॉर्मोन्स का, मीठे को क्रेविंग करने का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोई ऐसी हर्ब, आयुर्वेदिक हर्ब जो कि आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगी, और वो क्या है, शतावरी। नाउ शतावरी की डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने ज़रूर देखनी है शतावरी। और शतावरी का पाउडर नहीं लेना, आपने क्या लेने हैं, रूट्स लेने हैं। अब हम बात करते हैं जी डिनर की। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे 7 आयुर्वेदा डिनर रेसिपीज डाली थी, दालों का पानी उसमें मैंने इंट्रोड्यूस करा था, और उसके साथ साथ घी का बॉइल्ड पानी, या फिर उसके साथ साथ मैंने डेयरी फ्री लैटेज आपके लिए बहुत सारी लेके आई थी, कोकोनट एंड सिनेमन लैटे, आपने वो सारी की सारी अपनी सातों के सातों दिन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये लेने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसके अलावा सूप्स भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, बहुत सारे सूप्स की रेसिपी मेरे चैनल पे है, इन सब के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात करते हैं नाइट ड्रिंक की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एक और आयुर्वेदिक हर्ब हम ऐड करते हैं नाइट ड्रिंक में, क्या है वो, पनीर के फूल का पानी, पनीर डूबा हम इसे बोलते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मेरे ये रहा चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। हम ये लेंगे, इसके बाद बात आती है आपके स्लीपिंग पैटर्न की। 8 घंटे की नींद, 2.5 से 3 लीटर का पानी, गुड टू गो, सॉर्टेड। आप अपनी रिपोर्ट्स चेक करा लेना पीसीओडी के, आपके जो सिस्ट का साइज़ है 30 डेज के बाद आपके आधे सिस्ट का साइज़ मिलेगा। और इस डाइट को फॉलो करने के बाद जो पीरियड्स आपको आएंगे ना वो बहुत ही अच्छे से आएंगे, एंड उसके बाद अगर आप अपना स्कैनिंग कराएंगे आपके सिस्ट काफ़ी हद तक कम मिलेंगे। नेक्स्ट, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ फॉलो, यहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करना है,
क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर आप ये डाइट करेंगे, अपना PCOD को क्योर करेंगे, करियर बनाएंगे और अपने अंदर की जो एग्रेशन और जो गुस्सा है ना उसको हम डाइट के मेहनत पे निकालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर जी, आई विल सी यू सून, बाय बाय।